हेलो गाइस, मैं हूँ आदर्श शुक्ला। आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की डेट है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी की इसी सीरीज़ में हम लोग आज का करंट अफेयर्स कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हम अपना क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि टोंगो 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अपने परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में ये योजना का प्रबंधन साइन किया गया है, तो ये NTPC के साथ टोंगो योजना 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना हस्तांतरित उनके प्रबंधन सलाहकार को NTPC को बनाया गया है। चलिए देखते हैं इस रिलेटेड फैक्ट को। पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र में लगभग 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए टोंगो ने पावर दिग्गज NTPC को अपना प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टेंट नियुक्त किया है। PMC मतलब पावर मैनेजर कंसल्टेंट। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 1-2 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार बजट तैयार करने के दौरान सबसे अच्छी प्रथाओं के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? प्रथाओं मतलब किसी भी मेथड को अप्लाई करने के में कौन सा स्टेट इंडिया में नंबर 1 है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार असम को सबसे अच्छी प्रथाओं मामलों में शीर्ष राज्य नियुक्त किया है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट जो बताए गए हैं कि असम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वेक्षण के मुताबिक बजट तैयार करने के बाद असम सबसे अच्छे राज्य के रूप में उभरा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब्दुल गफ्फार, जिनका हाल ही में 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? ये बिहार राज्य के पूर्व मंत्री थे। तो बिहार राज्य में ये कौन से पद पे आसीन थे? देखते हैं कि बिहार के पूर्व मंत्री राजद विधायक अब्दुल गफ्फार का नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 60 साल के थे। उनकी पत्नी, 3 बेटियाँ थीं। और बिहार विधानसभा में महेशी विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले गफ्फूर पिछले काफ़ी समय से लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे और इनको इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में भर्ती कराया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया। बिहार राज्य के वित्त मंत्री थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, ये जमीन की आर्द्रभूमि से संबंधित दिन होता है। तो जितने भी आर्द्रभूमि संबंधित विषय होते हैं उनको देखा जाता है। तो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को आयोजित किया जाता है। ये वर्ल्ड वेटलैंड डे का साइन है, इसे ये दर्शाया गया कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 2020 हमारी पृथ्वी में जितने वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी हैं उनको चिन्हित किया जाता है। चलिए देखते हैं 2 फरवरी 1971 को ईरान के रमसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया था, इसलिए आज दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पर मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रमसर में एक कन्वेंशन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे को आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य उन आर्द्र क्षेत्रों पर प्रकाश डालना है जो विलुप्त होने वाले हैं। भारत में डल झील, वुलर झील, हरिके, सुंदरवन और चिल्का झील जैसे क्षेत्र खतरे में हैं, इसलिए इसको वेटलैंड घोषित किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये इस वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम है टेनिस की। ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम महिला वर्ग में किसने जीता है? तो इस वर्ष सोफिया कैनिन ने एशले बार्टी को सेमीफाइनल में हरा के फाइनल में आई थी। इन्होंने मबाइगे मुगुरवा इनको हरा के फाइनल सीरीज अपने नाम की है। तो ये हैं सोफिया कैनिन, इनकी मैच देख लीजिए, और ये है ऑस्ट्रेलिया ओपन की सीरीज। चलिए देखते हैं इस रिलेटेड फैक्ट। महज 21 वर्ष की सोफिया कैनिन ने 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैम्पियन स्पेन की गबाइने मुगुरुजा को हराते हुए साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। ये अमेरिका की खिलाड़ी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6,
इराक के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद तौफीक अल्लावी जी इराक के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। तो इराक की कैपिटल है बगदाद, वहाँ के प्रेसिडेंट है बर्मा साहिद और करेंसी है इराकी दिनार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये इनकी इमेज है, इराक के फ्लैग लगे, ऑफिशियल में उनकी इमेज डाली गई थी। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन कि थिएटर कलाकार के किसने फ्रांसीसी सम्मान प्राप्त किया है? थिएटर कलाकार के रूप में किसने फ्रांसीसी सम्मान प्राप्त किया है? तो हाल ही में संजना कपूर जी को थिएटर कलाकार के रूप में फ्रांसीसी सम्मान दिया गया है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी सम्मान को और अन्य किस नाम से जानते हैं। संजना कपूर को रंगमंच के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए शेवेलियर डांस आर्ट डी आर्ट्स एट देस लेटर्स, इसको नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स भी कहा जाता है, का प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिलेगा। मेन नाम इसका ये हाईलाइट किया जाता है कि नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो संजना कपूर जी को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया, ये फ्रांस का उच्च सम्मान है। इसी के साथ हमारी आज की सीरीज समाप्त होती है, इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए मिलेंगे अगली सीरीज़ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।